ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? चाइनीज पास्ता पोहा कुछ भी। संडे, संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है ना कि जिस दिन सब लोग घर पर होते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती हूँ, कुछ नया, समथिंग डिफरेंट, यू नो, कुछ स्पेशल, कुछ नया। इडली, फिर से इडली। मम्मी हर संडे अब यही बनाती हो। बदतमीजी मत करो, पिछले संडे इडली नहीं थी, रवा इडली थी। कोई भी नहाया नहीं अभी तक, अभी कब ब्रेकफास्ट बनेगा, कब खाना पीना होगा? हाँ तो कोई बात नहीं ना, लंच थोड़ा लेट कर लेंगे। लेट? आप भूल गए आज लंच पर लड़के वाले आ रहे कोमल को देखने के लिए? मुझे कितना बढ़िया सा लंच बनाना है, खीर भी बनानी है। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि उनको पसंद आएगी भी या नहीं, पता है कितनी बेइज्जती होगी मेरी। अरे क्यों नहीं पसंद आएगी, इतनी अच्छी खीर जब बना दिया तुम। मैं कोमल की बात कर रही हूँ। क्यों नहीं पसंद आएगी कोमल, देखो तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है मम्मी, कल रात से वेट कर रहा हूँ। अब तो सीधा लंच बनेगा। हाँ मम्मी हो गया ब्रेकफास्ट। हाँ भाई पैसा। अथर चलो पानी गर्म हो गया, जल्दी से नहा लो। आज तो संडे है, थोड़ा रिलैक्स रहने दो। लड़के वाले आने वाले, नहा लो जल्दी से, नहीं तो मार खाओगे, समझे? उठो जल्दी। पता है जब तुम फैमिली के साथ रहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? तुम्हें रोज उनका चेहरा देखना पड़ता है। नहीं, तुम्हें रोज नहाना पड़ता है, और एक बार पानी गर्म हो गया तब तो नहाने का अलग ही प्रेशर बनता है। इसलिए मैं बीच बीच में गीजर बंद करती रहती हूँ। तुम ये आप क्या सुबह सुबह गीजर खोल के बैठ गए हैं? हर बार का है ये, जब भी कोई मेहमान आने वाले होते हैं ना घर पे, कुछ ना कुछ लेके बैठ जाते हैं ये। दिखाना होता है ना कि मैं कितना काम करता हूँ, और ठीक तो कुछ होता नहीं है इनसे, उल्टा और खराब कर बैठते हैं। अरे ये बार बार बंद हो रहा है। तो आप क्यों कर रहे हो ये सब? आप जाइए जाकर मोतीचूर के लड्डू लेकर आइए, ये शैलेश देख लेगा। वैसे भी दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है, यहाँ के सारे अपडेट्स अपनी मम्मी को देता रहता है। उसकी माँ ने इसीलिए भेजा ना यहाँ पे उसको, सब जानती हूँ। आप एक काम करिए, आज आप उसको उसकी मौसी के यहाँ भेज दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आज के जितने भी अपडेट्स हैं वो फैमिली में फैले। आप छोड़िए ना ये सब, देख लेगा सब शैलेश। ठीक है। शैलेश बेटा, शैलेश बेटा। क्या हुआ चाची? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपने आवाज़ दी। अरे घंटा पढ़ाकू मैं, ये लोग काम ही इतना लगाते हैं कि पढ़ाई अच्छी लगने लगी है मुझे। इसीलिए तो लेबर्स के बच्चे IAS और कलेक्टर बनते हैं। मेरा तो स्केड्यूल बन गया है, अगर घर में धनिया खत्म है तो हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाता हूँ, और फैन साफ करना है तो फिजिक्स, पासबुक प्रिंट करना है तो इकोनॉमिक्स, और अगर जाली साफ करना है तो केमिस्ट्री। है साड़ी से ही संस्कार दिखते हैं। यार मम्मी लास्ट टाइम भी तो सेम साड़ी पहनी थी ना मैंने, इस बार लड़का अलग है। मम्मी मम्मी मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जाऊं। चुपचाप जल्दी से रेडी होकर सबके साथ बैठो, मेहमान आने वाले हैं ना, मतलब ही नहीं है कुछ भी। पर मेरा क्या काम? ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, आई एम अ बार्बी गर्ल इन अ बार्बी वर्ल्ड। अरे अथर्व ऐसा नहीं करते। चुप। हमारे बहन की शादी की बात चल रही है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें वहां पे रहना चाहिए। शैलेश बेटा तुम निकल जाओ, वो तुम्हारे मौसी का कॉल आया था। आपको? हाँ मैंने मिस कॉल दिया था ना, तो वो कह रही थी कि बहुत दिन हुआ तुम उनके घर पे नहीं गए, जा के आओ, जरा देखना कौन है, और जाते वक्त दरवाजा लगाना। हाँ। विमला आंटी है। अथर की मम्मी, बहुत तैयारी चल रही है, लड़के वाले आ रहे हैं क्या? ये लीजिए आपकी प्लेट। प्लेट वापस करना तो बस एक बहाना है,
पिछली बार इन्होंने मेरे गाजर के हलवे के बदले पूरी भाजी दी थी, लेकिन वो पूरियाँ बिल्कुल फूली हुई नहीं थी, एकदम पिचकी थी पिचकी। तो असली फूला हुआ क्या होता है ये दिखाने के लिए मैं आज भटूरे लेकर आई हूँ। वैसे भटूरे भी एक बहाना ही है, सुनाए लड़के वाले आ रहे हैं। सही बोली, खीर जल गई मेरी, ये देखो तुम, ये बंद नहीं हो रहा ढंग से। अरे इधर मत रखो, उधर रखो यार, तुम ना रेडी में नहीं हुआ अभी तक तुम। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हाँ वो बाद में बता देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर। क्यों बैठी हो, उधर जाके बैठो। मैं क्या करूं अभी? तुम सलाद कटो, आप जल्दी जाके सलाद, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे ना मैंने, मैं यहाँ पे रेडी नहीं हूँ, जाओ जल्दी तुम यहाँ से। फ्रिज में ये दही का है, दही का दही फ्रिज में रखी है यार। पूछे कि खाना बनाना आता है या नहीं, फिर क्या बोल। मैं बता, इतनी बार रिजेक्ट हुई तो मैं पता नहीं, उतरो पहले यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी, मैं कब रेडी होंगी यार। आप एक काम करो ना, उनको फिर से फोन लगाओ ना, शायद पहले साइलेंट मोड पे होगा, अभी हटाया रहेगा साइलेंट मोड पर से। साइलेंट से हटाया होगा तो मेरे 17 मिस कॉल भी तो दिखे होंगे ना। आप अग्रवाल जी को फोन लगाओ, उनको पता होगा, रिश्ता भी तो वही भेजे थे ना। हेलो जी, हम वो। अच्छा ठीक है, तो अब? अरे छोड़िए। क्या बोले, क्या हुआ? नहीं आ रहे बोलो। क्यों? उनके लड़के का कहीं चक्कर है, उन्हें भी अभी पता चला। मम्मी क्या है? मैं खाना खा लूं? वो भी तो खा रही है, मेरे लिए छोड़ो। अभी इतना सारा खाना। अब एक काम करो, उसको बुला लाओ, मैं बिमला को बुलाती हूँ। मैं तो क्या बताऊँ, मैं इतनी बार रिजेक्ट हुई थी, हे भगवान, इतने लड़के आते थे, सब मना करके जाते थे, फिर मैंने वो अपनी लकी साड़ी पहनी तो इन्हें पसंद आई। वैसे क्या पसंद आया था आपको मुझमें? दहेज। नया वीडियो, और आपको अगर इसके और एपिसोड देखने होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलो अभी उधर, चलो चलो चलो।